उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 22 जून को शादी से एक रात पहले प्रतीक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नितिन के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई। बुलंदशहर के गुलावट्टी थाना इलाके में 22 जून की रात को शादी से ठीक एक दिन पहले नौजवान प्रतीक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। शादी से ठीक एक दिन पहले हत्या की वारदात ने पुलिस को जहां सन्न कर दिया, वहीं इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया कि आखिर ठीक शादी से एक दिन पहले हत्या की वारदात क्यों की गई। पुलिस के अपने कयास लगाए गए थे और लोगों के अपने, मगर जैसे ही पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो हत्याकांड का मुख्य आरोपी नितिन निकला। नितिन गुलावट्टी के सिरोधन का रहने वाला है। दरअसल नितिन बाटा का पिता युद्धवीर सिंह बाटा गाजियाबाद, बुलंदशहर और नोएडा में कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा था और एक गैंग का संचालन भी करता था। युद्धवीर सिंह पर हत्या फिरौती के कई मामले दर्ज थे। एक कार एक्सीडेंट में ही युद्धवीर सिंह बाटा की मौत हो गई थी। यह बात उस वक्त की है जब जरायम की दुनिया में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जतन सिरोही सेंसर पाल रामपाल और सुंदर भाटी और सुधीर राजड़ के नाम सबसे आगे आते थे, मगर जतन सिरोही सेंसर पाल और रामपाल के मरने के बाद युद्धवीर सिंह बाटा के एक्सीडेंट में मारे जाने के बाद मानव गैंगवार और जरायम की दुनिया का एक अंत हो गया। मगर एक बार फिर नितिन बाटा के सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा तो नहीं कर रहा कि नितिन अपने बाप के नक्शे कदम पर चल चुका है। नितिन बाटा ने प्रतीक की हत्या महज इसलिए की उसकी बाइक उससे टकरा गई और कुछ हल्की कहा सुनी हुई थी। महज यह बात हत्या तक तो नहीं पहुंच सकती, मगर जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया उससे साफ है कि युद्धवीर सिंह बाटा का बेटा जरायम की दुनिया में पैर रख चुका है। हालांकि पुलिस ने नितिन को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नितिन। नितिन, तुमने ये जो मर्डर किया था, क्या तुमने मर्डर किया है? हो गया जी, गलती। क्या बात हुई थी, किस बात को लेकर हुआ? स्कूटर बाइक की टक्कर हो गई, उसने मुझे मारा। तुमने गोली जो मारी? पूरी बात बता दो कि ऐसे एक दूल्हे की गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोपी गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में हत्या के कारण क्या कुछ सामने आया? गुलावट्टी थाना एरिया में इसे उस दिन सुबह उनका शादी था प्रतीक का, रात में हत्या हो गई। हम लोग अभी सुन करके बहुत दुख हो गई। उसी केस में मुलजिम का अरेस्ट हो गई, पिस्टल भी बरामद हो गई। वो कबूल करके बोल रहा है ये मोटरसाइकिल में जा रहा है, वो स्कूटी में आया प्रतीक। दोनों का गाड़ी में थोड़ा टकरा हो गई। प्रतीक ऑलरेडी दारू में था, उसी दारू में ही इनका नशे में था, इनका मारपीट कर दिया। ये नाराज होकर के घर गए थे। अभी ये इसमें कबूल कर रहा है मुलजिम नितिन, इनकी फादर हिस्ट्री शीटर था, गहरा में मृत्यु हो गई। घर में एक इलीगल पिस्टल रखा था इनका मालूम है, वो लेकर के आया, 3 राउंड फायर कर दिया, उसी में उनका मृत्यु हो गई, प्रतीक का मृत्यु हो गई। इनका अभी हम अरेस्ट कर दिया, पूरी कबूल कर रहा है, जेल भेज रहा है। पहले ये आया, ये नाबालिग है, नाबालिग नहीं है, 18 years and 5 months है इनका, ये हम वेरीफाई कर। सर, ये जो आरोपी है क्या इससे पहले कभी जेल गया है? नहीं, इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। तो सिर्फ एक ही हथियार इसके पास पाया गया या पुलिस? हाँ, यही इसके अलावा कोई नहीं। इनका फादर हिस्ट्री शीट है, उनका ज्यादा है, उनका मृत्यु भी हो गई। युद्धवीर सिंह इनका फादर हिस्ट्री शीट थाना का, ऐसे हथियार लूट सभी ने सामान दिया। ठीक है।